नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कल बलीठा सलवाव के पास खुली जगह में बने भंगार के गोडाउन में आग लग गई, जहां आग को काबू करने के लिए बापी नगर पालिका और नोटिफाइड की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। आग इतनी भयावह थी कि जलने वाले कचरे से उठते धुएं को बापी के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। आसपास रहवासियों से पता चलता है कि खेती लायक जमीन के ऊपर केमिकल वाला कचरा डालकर जमीन को बंजर बनाया जा रहा है, जिसे रोकना अनिवार्य है और इन भंगारियों पर अनेक नामचीन लोगों का हाथ है। बापी के अनेक स्थान और DIDC के आसपास के विस्तार में भंगार वालों की बाढ़ सी आ गई, जो केमिकल कंपनियों से केमिकल वाला प्लास्टिक ड्रम और दूसरा कचरा लाकर उसको साफ करके उससे निकलने वाले केमिकल को जमीन में गड्ढा बनाकर गाड़ देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। क्या ये आग भी इसी तरह तो नहीं जलाई गई? जांच का विषय है। केमिकल वाले कचरे को जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करके बिंदास हो चुके हैं। भंगारियों का सरकारी अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देना दिखाई दे रहा है। जबकि इसी क्रम में हमारे संवाददाता को रिपोर्ट मिली कि बलीठा शमशान गृह के पास भी कुछ बेस्ट जलाया जा रहा है, जहां हमारे रिपोर्टर के जाने के बाद वस्तु स्थिति से यह थी कि शमशान गृह जाने वाला पूरा रोड पर मानो भंगारियों का कब्जा हो। चारों ओर कचरा ही कचरा था और शमशान गृह के पास कचरा जलाया भी जा रहा था। अब रामराज में भंगारिये खुश, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास समय नहीं है ना कि अधिकारी जनता से मिलते हैं। एक जवाब मिलता है, साहिब मीटिंग में है।